हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस प्लांट की केयर। इसको दोस्तों पिस्तिया या वाटर लेट्यूस या वाटर कैबेज के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली इसके आज मैं आपके साथ केयर वीडियो शेयर करने वाला हूँ, वो भी विंटर केयर, कि आपने इसे लगाया है तो कैसे केयर कर सकते हैं। जनरली मैं अगर आपको बताऊँ, आप ऐसा कोई प्लांट चाहते हैं जो बहुत ही हार्डी किस्म का हो और आपके घर पे इजीली ग्रो करता रहे, और अगर आपके पास टाइम भी नहीं रहता है बार बार वाटरिंग करने वगैरह का, तो उसके लिए एक बेस्ट प्लांट है। क्योंकि ऑलरेडी इस प्लांट को जो है हमेशा पानी में रखना पड़ता है, क्योंकि ये पानी पे ही फ्लोट करता है तभी ग्रो करता है, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं। जनरली केयर वीडियो पे यही होता है कि विंटर्स की अलग हो जाती हैं, थोड़ा समर्स की अलग हो जाती हैं इस प्लांट्स के ऊपर। तो देखिए, जैसे विंटर्स का टाइम रहता है तो थोड़ा सा किसी प्लांट्स के लिए डॉर्मेंसी का रहता है या थोड़ा सा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप समर से कंपेयर करेंगे तो उस टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ मिलती है। कुछ प्लांट्स को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे इस प्लांट्स को थोड़ा सा सनलाइट ज़्यादा पसंद रहती है, विंटर्स के टाइम में थोड़ा सा ये उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्गी एकदम जमने लगी है, और यहाँ पर सब देख रहे होंगे इसकी जो ब्राउन लीव्स एकदम दिखने लगी ना, ये बाहर से ख़राब होने लगा है। तो यही कुछ छोटे मोटे रीज़न्स होते हैं जो विंटर्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस प्लांट में लाइटिंग कंडीशन की। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्लांट में, विंटर्स के टाइम में अगर जैसे बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह पड़ती है कई जगह पे ना, फॉग जैसे पड़ता है, तो उस जगह के लिए थोड़ा सा ये ख़राब रहता है। बट बीच बीच में जैसे अगर आपके यहाँ थोड़ा सा भी धुंध पड़ा, उसके बाद फिर से नॉर्मल टेम्परेचर होता है या धूप निकलती है, तो फिर उस जगह पर अच्छे तरीके से चल जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि इसको जो है सनलाइट मिले सुबह सुबह की, अगर इसे मिलती रहेगी तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं, आप शेडो देख रहे होंगे मेरे हैंड की पड़ रही, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो सुबह की रहती है मॉर्निंग सनलाइट वो इसको मिल रही है, तो ये इजीली जो है अभी सर्वाइव कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। ये तो सबसे मेन बात आपको रखनी है। वैसे जनरली जो है समर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है, क्योंकि जनरल समर्स की जो इसको है ना थोड़ा सा गर्मी वार्म वाला इसको टेम्परेचर पसंद होता है, विंटर्स इतना पसंद नहीं होता है। और दूसरे में बात करूंगा दोस्तों वाटरिंग की। तो देखिए, वाटरिंग का भी आपको खास ख्याल रखना है। जनरली आप जैसे वाटरिंग करते थे तो समर्स के टाइम में इवेपोरेशन ज़्यादा प्लांट्स का होने लगता है, और जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी प्लांट्स की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर ना एक जेल टाइप का ही बनाता है दोस्तों, तो उसके लिए जो इसकी जो नई लीव्स की ग्रोथ होती है उसके लिए भी काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो उस कारण से आप थोड़ा सा पानी का ख्याल रखिएगा। पर अगर मैं विंटर्स की बात करूँ तो देखिए, विंटर्स में आप जैसे नॉर्मल वाटरिंग करते हैं इस प्लांट पे भी चेक करते रह करिए। विंटर्स आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। आप इसको जो है थोड़ा सा पानी में फ्लोट करके ही रखिएगा, हो सके तो जैसे कि आप टैप वाटर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अगर वार्म वाटर है आपके पास तो आप वार्म वाटर को थोड़ा सा उसमें नॉर्मल डाइल्यूट करके फिर इसके अंदर देंगे तो और ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करेगा। जैसा मेरा मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल अगर आप वाटर देना चाहते हैं तो फिर आप वो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिसकी ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना, ये जो लीव्स ब्राउन ब्राउन सी आपको दिख रही है, ये खुद ही दोस्तों इसकी अपने आप ही जो ख़राब होने लगती हैं तो फिर ये ऐसे बना लेता है। आप चाहो तो इसको जो है निकाल के रिमूव कर सकते हो, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि विंटर्स के टाइम में अब इनको बिल्कुल भी छेड़े नहीं, जैसे ये ग्रो कर रहे हैं एज़ इट इज़ आप इनको ऐसे लगे रहने दें। फिर जब इनका ग्रोइंग पीरियड आएगा तो आप इसको निकाल के दोस्तों एक बार सफाई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद भी एक प्रोटेक्टेड लेयर बना रखी है कि अंदर का पानी बहुत ठंडा नहीं हो पाए, इसलिए जो है ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे एल्गी से इन्होंने क्रिएट की, ताकि जो बाहर का एटमोसफेयर अंदर नहीं जाएगा तो पानी भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, उस कारण से जो है ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो प्लांट्स अपनी खुद प्रोटेक्शन कर लेते हैं कई बार आप देखेंगे, तो अभी आप इसको बिल्कुल भी मत छेड़िए। और मल्टीप्लाई बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, अभी देखिए छोटे छोटे से ये ना बेबी पफ्स इसके निकल रहे हैं, तो अभी तो आपको फिर भी इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखेगी, पर समर्स के टाइम में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इनको एरिया आप देते जाइए और ये बढ़ते जाएंगे। कई सारे आपके पास हो गए हैं तो फिर आप उसको अलग से लगा सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे भी, अभी मैं चाहूँ तो इस पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, पर अभी मैं इसको एक ही जगह पर लगे रहने दूंगा, क्योंकि फिर मैं निकालूंगा तो हो सकता है फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाए, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल रहा। फिर अगली मैं बात करूँ इसके फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए वो भी आपको ख्याल में तो रखना ही है। जैसे आप वो बनाते हैं ना लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने आपको बताया टी कंपोस्ट वगैरह, आप जो है काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड बनाते हैं मैन्योर, या तो फिर आप जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र रहता है लिक्विड आप वो बनाते हैं,
तो जब जैसे सारे प्लांट्स में आप डालते हैं, तो इस प्लांट में भी थोड़ा सा ऐसे साइड से जगह बनाकर और उसे डाल दिया करिए। तो क्या है कि जो भी प्लांट्स में रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिएंट्स की या फर्टिलाइजेशन की, तो वो भी कंप्लीट होती रहे। इतना ज़्यादा तो अभी इनको ज़रूरत रहती नहीं है, पर फिर भी इनको जो नाइट्रोजन बेस अगर आप देंगे फर्टिलाइज़र, तो और अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो जब आप इसे लगाते हैं, उसी टाइम में आपको जो है इसके थोड़ा सा मिट्टी भी ऐड करते हैं ना अपन इस पे, तो उस टाइम भी आपको इसमें लगा देना है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी विंटर केयर बता रहा हूँ, पर जब इसका नेक्स्ट सीज़न आएगा, तो फिर मैं आपको प्रॉपर इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं या दूसरे प्लांट में कैसे शिफ्ट करते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं इसको कैसे अलग अलग करके लगाना होता है, बहुत ही सिंपल रहता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ये जो आप टब देख रहे हैं, बहुत दिनों से मेरे टेरेस गार्डन में पड़ा हुआ था, इस कारण से ये क्या हुआ कि ये टूटने लग गया है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, विंटर्स के बाद फिर जब इसका सीज़न आएगा तब फिर मैं इसको चेंज कर दूँगा, क्योंकि अभी वही प्रॉब्लम है। इसे अगर मैं एक बार भी डिस्टर्ब किया तो फिर ये हो सकता है कि ख़राब हो जाए, क्योंकि काफ़ी जल्दी से ख़राब होता है। वैसे चलने के लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके चल जाता है, साइज़ भी काफ़ी ग्रो करता है इसका। ये तो बहुत ही छोटे साइज़ का आप देख रहे हो, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ का हो रहा है। अगर ये इंडिविजुअल लगाओगे ना, तो काफ़ी स्पेस मिल जाती है, रूट्स काफ़ी अंदर तक जाती हैं इसकी, तो फिर ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात फर्टिलाइजेशन की। आपको एक चीज़ और ख्याल रखना है, जब आप इसमें वाटरिंग वगैरह करें तो ये ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ इसमें वाटर ना आए, यानी कि इसकी लीव में। वैसे तो आप जब डालेंगे ना, तो जैसे लोटस की लीव में आप डालते हैं, तो अपने आप दोस्तों उसका जो पानी वो नीचे कर देता, सेम इसमें भी ऐसे ही है। इसकी लीव में बिल्कुल भी पानी टिकता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये नीचे को गिरा देता है पानी। तो फिर भी आप जैसे कई बार स्प्रेयर से डाल देते हैं पानी ऊपर ना, इसमें सफाई करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसको भी ना करें इसमें, क्योंकि विंटर्स के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम में जाएगा, इसलिए आप ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्योंकि फिर इसकी ना पानी अगर ऊपर खड़ा भी रह गया थोड़ा बहुत भी, तो फिर ये इसकी जो है लीव्स वो गलने लग जाएंगी या ब्राउन पड़ेगी, तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। फिर आप उसको निकालोगे तो प्लांट भी ख़राब होगा, तो कई सारी चीज़ें, इसलिए आप थोड़ा सा भी सेफ साइड लेके चलिए, प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। जब काफ़ी लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि इसका जो वाटर है, पानी है, उसको चेंज करते रहना चाहिए हर 15 से 20 दिन पर, मैं दोस्तों इतना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को और भी प्लांट्स की तो केयर करनी पड़ती है। तो जनरली मेरे प्लांट्स तो बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं, इतना कुछ ख़राब नहीं होता, क्योंकि पानी जनरली उसका बच ही नहीं पाता, इतने सारे प्लांट्स रहते हैं तो उनको भी तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो फिर जब इसमें पानी कम होता रहता है, तो फिर मैं इसमें अलग से ऐड करता रहता हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको भी प्लांट में बार बार जो है पानी चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोग क्या है, फिश वगैरह भी ऐड कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे, तो आप बार बार जो है इसका पानी ना भी बदलेंगे तो चल जाएगा, अगर आप बदल देते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो यही कुछ ऐसी बेसिक केयर्स रहती हैं इन सारे प्लांट्स की। तो आई होप मैंने आपके साथ जो इस प्लांट्स की जो है वाटर कैबेज की विंटर केयर शेयर की है, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।